फिर कुछ समय नहीं था उस रोड पे, तो जो है एक बार विरोध करने पे जब मैं उनका नंबर नोट डाउन करने लगा कि मैं आगे प्रशासन के पास इस बात की जानकारी दे पाऊँ, तो उन्होंने जो है सबसे पहले अपने साथियों को जो गाड़ी में सवार थे और जो उनके पास डंडा और दूसरे हथियार थे वो लेके बाहर बुलाया, और एकदम से उन लोगों ने जो है मुझ अकेले पे मारना शुरू कर दिया। जो गाड़ी का मालिक जो ओनर और ड्राइवर था उस समय, जो सबसे पहले वारदात में शामिल हुआ, उसी ने मेरे सर पे जो है मारा, और उसी ने जो है जब मेरी टांग टूटी तो जो है टांगों पर डंडे से वार किया और जो है मेरी राइट वाली टांग पे 2 बार जो है कूदा। जब मैं गिर गया था 2 बार अपने पैरों से बहुत ज़ोर से उस पर कूदा। जब ये मामला लगभग लगभग बहुत लोगों के नज़र में आ गया, ट्रैफिक आना शुरू हुआ, तो बीट कॉन्स्टेबल्स जो है वहाँ पहुँचे, जबकि मेरी आंखों से काफ़ी ऊपर से खून बह रहा था तो मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रहा था। तो उसी समय जब ये सब मामला हुआ तो मैंने जो है जो जो लोग वहाँ पहुँचे उनमें कुछ मेरे दोस्त भी शामिल थे। देखिए, हमारा तो किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हमारा मेरे पास शाम को तकरीबन 6:30 बजे करीब उसके मेरे पास छोटे बेटे का फ़ोन आया और घबराया हुआ था। मैंने कहा बेटा बोलो क्या बात है। बोला भैया को फ़ोन कर लो और उसको लगता है किसी ने मारा है, चोट लगी है, कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो मैंने बड़े बेटे को फ़ोन किया तो इसने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने मारा है, मेरी बाइक का आगे हिट हो गई है, शीशा टूट गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हाथ जोड़ करके और बातचीत करके चले आओ, विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं। लेकिन वहाँ पर हम जब गए तो हमने देखा कि हमारे बच्चे को मार करके बिल्कुल तरह से लहूलुहान घायल कर दिया है, और वहाँ पर पूरी काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी और लोगों ने फिर बीच में 2 नंबर के काम करने की जानकारी भी दी होगी। और उसके बाद बच्चे को लेकर के मैं यहाँ पर थाने में आया।